हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी सिविलाइजेशन, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सी, मैनी मटेरियल थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन टू फुलफिल हिज नीड्स एंड दीज मटेरियल थिंग्स आर नोन एज सिविलाइजेशन। सी, कल्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड हियर द वर्ड सिविलाइजेशन इज प्रेफरेबल टू एक्सप्लेन द मटेरियल कल्चर ओनली, राइट। सो द वर्ड सिविलाइजेशन इज प्रेफरेबल टू एक्सप्लेन द मटेरियल कल्चर ओनली। देयरफोर द मटेरियल पार्ट और द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोशल हेरिटेज कैन बी कॉल्ड सिविलाइजेशन, वेयर एज द नॉन मटेरियल पार्ट और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट कैन बी कॉल्ड कल्चर। सो सिंपली वी कैन से दैट द मटेरियल पार्ट और मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोशल हेरिटेज कैन बी कॉल्ड सिविलाइजेशन और द नॉन मटेरियल पार्ट और एस्पेक्ट कैन बी कॉल्ड कल्चर, राइट। सो सिंपली वी कैन डिफाइन द वर्ड सिविलाइजेशन एज, राइट, ऑल दोज मटेरियल थिंग्स कम अंडर सिविलाइजेशन विच ह्यूमन बीइंग्स कैन टच एंड सी, ऑल्सो विच हैव बीन क्रिएटेड बाय द मैन टू फुलफिल हिज नीड्स, राइट। Now we will understand the definitions of civilization, right? तो यहाँ पर जब कभी भी 5 नंबर या 5 मार्कर और 11 मार्कर क्वेश्चन को हमको लिखना हो, so we can use these definitions as a introduction, right? So we will study the definitions of civilization. So एक तो हम definitions को पढ़ेंगे, also we will understand what is civilization through these definitions. So first is MacIver and Page. So according to MacIver and Page, the whole mechanism and organization which man has devised in his endeavor to control the conditions of life. So simply जो लाइफ की कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मैंने जिन मटेरियल थिंग्स को डिवाइस किया है उनको ही क्या कहा जाता है, सिविलाइजेशन कहा जाता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू MacIver एंड पेज, द होल मैकेनिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन विच मैन हैज डिवाइस्ड इन हिज एंडेवर टू कंट्रोल द कंडीशंस ऑफ लाइफ इज सिविलाइजेशन, क्लियर। सेकेंड, Fairchild. According to Fairchild, a high developed culture is a civilization. So according to Fairchild, a high developed culture is civilization, and a high civilization can be built only on the basis of intellectual technology, fine arts and spiritual achievements. Clear? And according to Taylor, civilization is that developed state of humankind. Clear? According to Taylor, civilization is that developed state of human mankind in which high grade individual and social organization are found to increase the qualities, strength, happiness of human being. So this is also a definition of civilization. So according to Taylor, civilization is that developed state of human mankind in which high grade individual and social organization are found to increase the qualities, strength and happiness of human being. Clear? Now we will see the characteristics and features of civilization. And yahan se 11 marker question or 5 marker question can be asked. Right? State or write the characteristics of civilization. This question can be asked. So we will study characteristics or features of civilization. See, civilization is, yes, civilization has the quality of utility, right? जो सिविलाइजेशन होता है उसके पास में क्वालिटी जो है यूटिलिटी की क्वालिटी होती है. सो सिविलाइजेशन हैज़ अ क्वालिटी ऑफ यूटिलिटी. आल्सो सिविलाइजेशन वर्क्स एज अ रिसोर्सेज. सिविलाइजेशन इज डायनामिक अकॉर्डिंग टू चेंजेस ऑफ द सिचुएशन, या जैसे ही ह्यूमन नीड में चेंजेस आते हैं सिविलाइजेशन में भी चेंजेस आता है. फिर
ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है उसमें रैपिड पेस पर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, सिविलाइजेशन प्रोग्रेसिव होता है, फिर सिविलाइजेशन का अनकन्वर्टेड जो है ट्रांसफर होता है। इसके साथ ही सिविलाइजेशन इज द सिंबल ऑफ डेवलप्ड सोसाइटी। सो वी विल स्टडी दीज फीचर्स वन बाई वन इन डेप्थ। फर्स्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यूटिलिटी। सी सिविलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यूटिलिटी बिकॉज नो ऑब्जेक्ट, सी नो ऑब्जेक्ट कैन कम अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ सिविलाइजेशन अनटिल इट फुलफिल्स द नीड ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और देयर इज नो बेनिफिट ऑफ एनी काइंड, राइट। सो जो भी ऑब्जेक्ट सिविलाइजेशन में आता है इट हैज यूटिलिटी। सो सिंपली वी कैन से दैट नो ऑब्जेक्ट कैन कम अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ सिविलाइजेशन अनटिल इट फुलफिल्स द नीड ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। देयरफॉर वी कैन से दैट सिविलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यूटिलिटी। सेकेंड, सिविलाइजेशन इज ओनली अ मींस। सी सिविलाइजेशन इज ओनली अ मींस, राइट। और इसके लिए रीजन क्या है, ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम और यूज डिफरेंट थिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग देयर डिफरेंट नीड्स, राइट। तो ह्यूमन बीइंग अपनी डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट सिविलाइजेशन को डिफरेंट जो थिंग्स हैं या डिफरेंट थिंग्स हैं उनको क्या करता है, कंज्यूम करता है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन इज ओनली अ मींस और इस मींस के माध्यम से ही ह्यूमन बीइंग अपनी कई डिफरेंट नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। थर्ड इज सिविलाइजेशन इज डायनामिक, राइट। सी सिविलाइजेशन इज चेंजिंग और सिविलाइजेशन इज डायनामिक बिकॉज सिविलाइजेशन हैज डायरेक्ट, राइट, सिविलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यूटिलिटी। क्लियर। सी सिविलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यूटिलिटी और जैसे जैसे समय चेंजेस होता है, राइट, सिचुएशन चेंजेस होती है और जब सिचुएशन चेंजेस होती है सोसाइटी चेंजेस होती हैं और ह्यूमन नीड में चेंजेस आते हैं उस अकॉर्डिंग सीधी सी बात है जो मटेरियल थिंग्स हैं उनमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा, राइट। सो सिंपली वी कैन से दैट एज ह्यूमन नीड चेंजेस, राइट, एज ह्यूमन नीड चेंजेस देन डेफिनेटली सिविलाइजेशन वुड चेंज, राइट। एंड दिस नीड्स और वी कैन से दैट ह्यूमन नीड्स कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सिचुएशन एंड इंडिविजुअल। सो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सिचुएशन टाइम एंड प्लेस द ह्यूमन नीड्स कैन बी चेंजेड एंड इफ ह्यूमन नीड्स वुड चेंज देन डेफिनेटली सिविलाइजेशन विल चेंज और सिविलाइजेशन में अगर समय के साथ में या प्लेस के अनुसार चेंज होगा सो सिंपली वी कैन से दैट सिविलाइजेशन इज डायनामिक। फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज रैपिड। सी सिविलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यूटिलिटी, राइट, और यूटिलिटी सिविलाइजेशन यूटिलिटी से रिलेटेड होता है। इसीलिए ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो कुछ भी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं उनको उनके लिए जो है सिविलाइजेशन में क्या होता है, चेंज होता है, राइट, और ये चेंज क्या होता है, रैपिड होता है। तो सिंपली वी कैन से दैट टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स जो यूटिलिटी होता है फैक्टर वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है और जैसे ही पीपल की जो नीड्स चेंजेस होती हैं वैसे ही दूसरी वस्तुओं के द्वारा उन नीड्स की जो है पूर्ति की जाती है। इसी वजह से जैसे जैसे समय बदलता है सोसाइटी चेंजेस होती है यूटिलिटी चेंजेस होती है ह्यूमन नीड्स में चेंजेस आता है वैसे वैसे सिविलाइजेशन में भी क्या होता है, चेंजेस आता है और इसका जो पेस है वो क्या होता है, तेज होता है। तो सिंपली वी कैन से दैट ह्यूमन नीड changes according to time at faster pace, therefore development of civilization is also rapid. Fifth is civilization is progressive, right? See, the element of progress
is inherent in the civilization as a result which it keeps on progressing forever and continuously. क्यों? क्योंकि जो human needs होती हैं, right? Human needs according to time जो है changes होती हैं, right? और human needs को meet करने के लिए भी जो है civilization changes होती हैं और कुछ जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ होते हैं, प्रोग्रेसिव जो वस्तुएँ होती हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इन एंशिएंट टाइम वी हैड वुलन कॉट्स, राइट, बट एट प्रेजेंट वी हैव रेल, एयरप्लेन, राइट, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, रॉकेट है, राइट. सो देयरफॉर सिविलाइजेशन कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग ऑन द पाथ ऑफ कंटिन्यूस प्रोग्रेस. तो जैसे जैसे सोसाइटी की जो नीड में चेंजेस आएंगे, राइट, जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी वैसे वैसे सिविलाइजेशन भी क्या होगी, सिविलाइजेशन विल आल्सो कीप ऑन प्रोग्रेसिव. नेक्स्ट, डेवलप्स एंड स्प्रेड्स विदाउट क्या हो जाएगा, एफर्ट्स हो जाएगा. सी, जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन डेवलप्स एंड स्प्रेड्स विदाउट क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा. सी, कल्चर इज रिलेटेड विद द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. और इसीलिए जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ होता है वो रिलेटेड होता है आर्ट, कल्चर से, आइडियोलॉजी से, राइट, बिलीफ से, रिलीजन से. और इनको प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई प्रोपोगेशन के लिए रिक्वायरमेंट हमेशा ही होती है. परंतु जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यूटिलिटी. और इसीलिए जब कभी भी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने की बात होगी और जो भी मटेरियल थिंग्स जो कि ह्यूमन के लिए ऐसा यूटिलिटी काम में आ सकती हैं उनको किसी भी सोसाइटी में जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है, राइट. सो सिविलाइजेशन हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, देयरफॉर इवन फॉर द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड, right, no efforts has to be made by the individual, organization, group in any way. क्योंकि जो सिविलाइजेशन है वो ह्यूमन नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, राइट. और जो फीचर ऑफ यूटिलिटी है वो इनहेरेंट है किसमें, सिविलाइजेशन में. तो चूंकि सिविलाइजेशन में यूटिलिटी का जो फैक्टर है वो इनहेरेंट होता है इसीलिए इंडिविजुअल देमसेल्व्स adopt it according to their own needs and its expansion and development takes place on its kya ho jayega, on ho jayega. therefore civilization develops and spreads without effect. Seventh is, civilization is transferred in an unchanged kya ho jayega, form ho jayega. See, jo culture hota hai, कल्चर नॉन मटेरियल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है. इसीलिए जब कभी भी कोई आइडियोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, थिंकिंग, राइट, या रिलीजन किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है ट्रांसफ़र होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं ज़रूर आ जाते हैं. परंतु सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन का वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब कभी भी ट्रांसफ़र होता है, राइट, या एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में होता है तो वो अनचेंज्ड फॉर्म में हो जाता है. क्यों? क्योंकि रीज़न इज सिंपल, सिविलाइजेशन में यूटिलिटी का फैक्टर होता है और इफ़ अ पर्टिकुलर मटेरियल थिंग इज फुलफिलिंग अ पर्टिकुलर नीड तो उसको उसी फॉर्म में जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है या अडॉप्ट कर लिया जाता है. तो सिविलाइजेशन कैन मीट द ह्यूमन नीड्स, इसीलिए कई बार सिविलाइजेशन को अनचेंज्ड फॉर्म में जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है, राइट. उदाहरण के लिए, इन 1936 कमर्शियल टेलीविजन अपेयर्ड इन ब्रिटिश मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम और ग्रेजुअली उसको पूरे विश्व में क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया गया है, राइट. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सिंबल ऑफ डेवलप्ड क्या हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा. सी, जो कल्चर है, अगर हम बात करते हैं कल्चर की, सो कल्चर इज फाउंड इन प्रिमिटिव एंड ट्राइबल सोसाइटीज एज वेल. परंतु जो ट्राइबल या प्रिमिटिव सोसाइटीज होती हैं वो
अपनी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए उतनी हाईली और एडवांस इक्विपमेंट्स को या मटेरियल थिंग्स को इवॉल्व नहीं कर पाती हैं, डेवलप नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो प्रिमिटिव क्लासेस होती हैं या ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं उनमें सिविलाइजेशन का जो है सिविलाइजेशन जो है डेवलपमेंट नहीं होता है। परंतु जो सोसाइटीज़ जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें हाईली इंटेलेक्चुअल मेंबर्स पाए जाते हैं, जो हाईली इंटेलेक्चुअल मेंबर्स ह्यूमन नीड को फुलफिल करने के लिए कई मटेरियल थिंग्स को क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं, इसीलिए जो डेवलप्ड सोसाइटी होती है, डेवलप्ड सोसाइटी जिसमें हाईली इनोवेटिव या इंटेलेक्चुअल मेंबर्स होते हैं, वो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कई जो वस्तुएँ होती हैं राइट, या कई मटेरियल थिंग्स को जो है डेवलप करते हैं, इसीलिए सिविलाइजेशन इज द सिंबल ऑफ डेवलप्ड सोसाइटी, सिंबल ऑफ डेवलप्ड सोसाइटी। नाउ वी विल स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सो यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी वी हैव स्टडीड दैट द कल्चरल एस्पेक्ट, the non-material aspect of social life is related with culture, right? So non-material aspect of social life is related with culture, whereas material aspect of social life is related with civilization, and both culture and civilization are expressions of human life, राइट, विच आर रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट aspect ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ के जो दो इम्पॉर्टेंट aspect हैं उनमें से एक क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन हो जाएगा, राइट। कल्चर इज रिलेटेड विद नॉन मटेरियल aspect ऑफ ह्यूमन लाइफ, वेयर एज सिविलाइजेशन इज रिलेटेड विद द मटेरियल aspect ऑफ ह्यूमन लाइफ। In simple words, we can say that what we are is our culture. जो हम आज हैं वो हमारा क्या है, कल्चर है, और जो हमारे पास है वो हमारा क्या है, सिविलाइजेशन है। So what we are is our culture and what we have is our civilization. Clear? For an example, अगर हम देखें right? Before starting study, right? Children worship first or sailor worship the new boat. So simply we can say that here जो new boat है, new boat क्या हो जाएगी, और for an example your car हो जाएगी। तो if you have a car और boat, तो ये क्या हो जाएगा, civilization हो जाएगा, car और boat civilization। But before driving the car or before using the boat, sailor worship the boat or you worship your car is your culture, right? तो जब कभी भी जो कुछ भी whatever material things we have, before using these particular material things, how do we make relationship or how do we perform the things, वही क्या है, हमारा culture होता है, ठीक है। तो through some points we will see the relation between culture and civilization. First is civilization is the carrier of culture, right? Civilization is the carrier of culture. See, culture is related with the non-material aspect of social life, or we can say that culture is related with art, literature, science, religion, etc. or कल्चर को आगे बढ़ाने में सिविलाइजेशन का क्या होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो ग्रेट थिंकर्स हैं राइट, ग्रेट थिंकर्स ने अपनी फिलॉसफी दी है राइट, या लिटरेचर जो है प्रोवाइड कराया है, परंतु उस ग्रेट थिंकर्स की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने में या लिटरेचर को नेक्स्ट जनरेशन तक बढ़ाने में बुक ने इम्पॉर्टेंट रोल क्या किया है, प्ले किया है। तो यहाँ पर बुक क्या हुआ, सिविलाइजेशन हुआ। तो जो कुछ भी हमारे पास में, जो भी हमारा कल्चर है, चाहे वो हमारा आर्ट हो, लिटरेचर हो, म्यूजिक हो, साइंस हो, रिलीजन हो, उसको आगे बढ़ाने में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचाने में सिविलाइजेशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। उदाहरण के लिए जैसे थ्रू बुक्स,
बुक्स के माध्यम से जो ग्रेट थिंकर्स हैं उनके आइडियाज, उनकी फिलोसफी को जो है हम नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा यहां पर हो जाएगा सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द प्रोपोगेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। तो जो सिविलाइजेशन है वो नॉट ओनली कैरियर ऑफ द कल्चर, बट ऑल्सो जो सिविलाइजेशन है वो कल्चर के प्रोपोगेशन में भी क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव एन आइडिया, राइट, अब उस आइडिया को जब तक मैं लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा वो कल्चर आगे नहीं बढ़ पाएगा। उदाहरण के लिए अहिंसा परमो धर्म हो जाएगा। सो अहिंसा परमो धर्म इज द फिलोसफी, रिच फिलोसफी ऑफ इंडियन कल्चर। सो अहिंसा परमो धर्म इज द रिच फिलोसफी ऑफ इंडियन कल्चर, बट इस फिलोसफी को हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अदर एलिमेंट्स के माध्यम से इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, राइट। सो सिंपली वी कैन से दैट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स इमेंस सपोर्ट इन द स्प्रेड एंड प्रोपोगेशन ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल ऑफ कल्चर, राइट। उदाहरण के लिए जो अहिंसा परमो धर्मा की फिलोसफी है इसको न्यूज़पेपर, मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा हो जाएगा सिविलाइजेशन इज द एनवायरनमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, क्लियर। तो सिविलाइजेशन इज द एनवायरनमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। अब देखिए सिविलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द यूटिलिटी, तो चूंकि यूटिलिटी सिविलाइजेशन का इनहेरेंट जो है क्वालिटी होती है, इसलिए जैसी ह्यूमन नीड होती है वैसे ही क्या होता है, सिविलाइजेशन डेवलप होता है। तो जैसा सिविलाइजेशन होगा अकॉर्डिंग टू दैट जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही वहाँ का कल्चर भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू देन सिविलाइजेशन इट टुक मोर टाइम टू कंप्लीट द मैरिज सेरेमनी, परंतु वर्तमान समय में जो मैरिज सेरेमनी है उसको परफॉर्म करने के लिए कम से कम समय लगता है, राइट, क्योंकि हमारे पास में वर्तमान समय में सिविलाइजेशन के जो जितने भी जैसे मैरिज गार्डन हो जाएगा, राइट, या हमारी सोसाइटी इस तरीके से इवॉल्व हो चुकी है कि हम शॉर्ट समय में ही जो जितनी भी मैरिज सेरेमनी होती है उसको परफॉर्म जो है कर लेते हैं, राइट। सो सिविलाइजेशन इज द एनवायरनमेंट ऑफ कल्चर। फोर्थ इज कल्चर इज द गाइड ऑफ, क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्चर इज द गाइड। See, what we have is civilization and what we are is our culture. For an example, we have atom bomb. अब एटॉमिक बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो हमारे लिए क्या है, सिविलाइजेशन है, परंतु उस एटॉमिक बॉम्ब का या हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल कहाँ करना है ये हमें हमारे कल्चर से ही पता चलेगा। उदाहरण के लिए वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, राइट, या अहिंसा परमो धर्मा, तो संपूर्ण विश्व जो है वो हमारे लिए एक समान है, वसुदेव कुटुंबकम या अहिंसा परमो धर्मा, राइट, और हम इस फिलॉसफी को बिलीव करते हैं, इसीलिए हमारे पास में जो कुछ भी सिविलाइजेशनल या मटेरियल थिंग्स है, चाहे वो एटम बम हो, तोप हो, आर्टिलरी हो, मशीन गन हो, एयरक्राफ्ट हो, हम कभी भी वॉयलेंस करने के लिए या लोगों को परेशान करने के लिए या टू अटैक अनदर कंट्री वो डोंट यूज दीज थिंग्स, राइट। सो सिंपली वी कैन से दैट आपके पास में चाहे भले ही किताब हो, कोई भी वस्तु हो, आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअली दैट इज डिसाइडेड बाय कल्चर। सो कल्चर इज द गाइड ऑफ सिविलाइजेशन। सो थ्रू दीज फोर पॉइंट्स वी हैव अंडरस्टूड द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, राइट। At last, we will study difference between civilization and culture. So, we have studied culture in depth. We have studied civilization in depth. So, easily you can understand what is the difference between civilization and culture. First is civilization spreads all around. See, civilization has inherent quality of utility. So, utility ki jo inherent quality hai, uski wajah se civilization all अराउंड में क्या होता है,
जो है ऑल अराउंड में इसका स्प्रेड होता है. वहीं जो कल्चर है, द स्प्रेड ऑफ कल्चर टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू क्या हो जाएगा, अनदर जनरेशन हो जाएगा. तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, उस नेक्स्ट जनरेशन को ही हम हमारे आइडियाज, बिलीफ, आर्ट, लिटरेचर जो है वो प्रोवाइड कराते हैं. तो चूंकि कल्चर में यूटिलिटी फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए इसका वन जनरेशन टू अनदर. सो सिंपली आप याद रखेंगे, कल्चर वन डायरेक्शन में ही क्या होता है, स्प्रेड होता है. और कल्चर इज द स्प्रेड ऑफ कल्चर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो वहीं जो सिविलाइजेशन होता है उसमें यूटिलिटी फैक्टर होता है, और इसी यूटिलिटी फैक्टर की वजह से सिविलाइजेशन का स्प्रेड जो है ऑल अराउंड होता है. दूसरा हो जाएगा, सिविलाइजेशन लैक्स डेप्थ ड्यू टू विच इट्स नॉलेज कैन बी अटेंड बाय एवरीवन. राइट, क्योंकि सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन ह्यूमन नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है, और इसमें मटेरियल थिंग्स ज़्यादा आती हैं, राइट, जिनमें डेप्थ कम होती है. इसीलिए इसके राइट इट्स मीन्स टू विच नॉलेज कैन बी अटेंड एवरीवन, और इसका जो नॉलेज है वो हर किसी के द्वारा अटेन किया जा सकता है. वहीं जो कल्चर है इट लैक्स सिंप्लिसिटी. राइट, जो कल्चर है उसमें नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स, फॉर एन एग्जांपल आर्ट, लिटरेचर, साइंस, रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है इंक्लूड होते हैं, और इसमें डेप्थ होती है. कल्चर में डेप्थ होती है तो वहीं सिविलाइजेशन में डेप्थ नहीं होती है. इसीलिए जो कल्चर है वो आसानी से समझ में नहीं आता है, जबकि सिविलाइजेशन का जो नॉलेज है वो किसी के द्वारा भी आसानी से अटेन किया जा सकता है. थर्ड इज देयर इज नो मेंटल अचीवमेंट टू क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन हो जाएगा. सिविलाइजेशन में मेंटल अटैचमेंट जो है नहीं होता है. वेदर इज राइट, वेदर अ पर्सन हैज अ मेंटल अटैचमेंट टुवर्ड द कल्चर ड्यू टू विच He also respect it. क्योंकि कुल मिलाकर ये हमारी philosophy से, हमारी thinking से, हमारी ideology से क्या होता है, related होता है. So culture is related with our ideology, mindset, right? Religion, our thinking process. इसीलिए हम जो है culture को क्या करते हैं, respect करते हैं. वहीं जो civilization होता है इसमें यूटिलिटी का फैक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए इससे मेंटल अटैचमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है. नेक्स्ट, द सिविलाइजेशन चेंजेस दैट टेक प्लेस इन सिविलाइजेशन आर लीनियर होते हैं. तो वहीं द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कल्चर वो कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं. तो यहाँ पर सिविलाइजेशन में लीनियर चेंजेस होते हैं और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो साइक्लिक होते हैं. नेक्स्ट हो जाएगा, सिविलाइजेशन इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग फिजिकल प्लेजर. तो कल्चर में यूटिलिटी फैक्टर होता है और कल्चर में मटेरियल एस्पेक्ट्स जो है सम्मिलित होता है, तो यह फिजिकल प्लेजर और मटेरियल प्लेजर से रिलेटेड होता है सिविलाइजेशन. वेयर एज कल्चर इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग मेंटल एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस टू ह्यूमन बीइंग. क्लियर, सिविलाइजेशन इज इन अ टेंजिबल स्टेट. राइट, हमने देखा है कि ऑल जो जितनी भी मटेरियल थिंग्स होती हैं, मटेरियल थिंग्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर इंक्लूडेड इन सिविलाइजेशन. इसीलिए सिविलाइजेशन जो है वो टेंजिबल होता है. परंतु कल्चर में नॉन मटेरियल थिंग्स, फॉर एन एग्जांपल फिलोसफी, आइडियोलॉजी, राइट, रिलीजन आर आल्सो इंक्लूडेड. सो जो कल्चर है वो इनटेंजिबल स्टेट में होता है. सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मटेरियल थिंग्स इन विच इट इज इडी टू चेंज एंड क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा. और यही बात है कि चूंकि एक तो इसमें यूटिलिटी होती है, ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, इसी वजह से इसको चेंज करना और इम्प्रूव करना बड़ा ही क्या होता है, आसान होता है. परंतु कल्चर इज रिलेटेड टू थॉट्स एंड इंट्रिंसिक क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स इन विच जो चेंजेस है और इम्प्रूवमेंट है वो उतनी आसानी से जो है नहीं होता है. इसीलिए कल्चर को चेंज करना क्या होता है, मुश्किल होता है. राइट, सो कल्चरल जो है, कल्चर इज रिलेटेड टू थॉट्स एंड इंट्रिंसिक क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन थिंग्स. राइट, इसीलिए जो है कल्चर चेंज में जो है टाइम लगता है या हार्डवर्क करना होता है. वहीं सिविलाइजेशन इज रिगार्डेड एज मीन्स, जबकि
कल्चर इज कंसिडर्ड एज द एंड, राइट। सिविलाइजेशन ऑलवेज प्रोग्रेसेस, राइट। जैसे जैसे ह्यूमन नीड में चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे यूटिलिटी में भी चेंजेस आएंगे, और उसी हिसाब से सिविलाइजेशन में भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे। वहीं जो कल्चर है उसके प्रोग्रेस में कोई, उसके प्रोग्रेस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। कल्चर हैज़ नो फिक्स डायरेक्शन फॉर इट्स प्रोग्रेस, राइट, एंड इट डज नॉट ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो कल्चर है वो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अगली डायरेक्शन में ही वह, राइट। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सो वी हैव फिनिश्ड टॉपिक, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू।